नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। दिन भर की देश विदेश की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी का 73वां जन्मदिन आज, देश के सभी छोटे बड़े नेताओं ने दी बधाई। कांग्रेस कार्य समिति ने संसद के विशेष सत्र में की महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग। मोदी ने यशोभूमि के पहले फेज का उद्घाटन किया, ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर। मेट्रो से पहुंचे कामगारों से मिले मोदी। जवान मूवी का कलेक्शन 10वें दिन पहुंचा 440 करोड़ रुपए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 735 करोड़ रहा। लीबिया बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,000 से ज्यादा हुई। पंजाब के तरन तारण से बीएसएफ ने बरामद किया पाकिस्तानी ड्रोन। हरियाणा के नूह में इंटरनेट सेवा बहाल, कांग्रेस नेता मामन खान की गिरफ्तारी के बाद किया गया था बंद। समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में बुलाई बैठक। ब्राजील के अमेजोन में हुआ बड़ा हादसा, विमान दुर्घटना में 14 लोगों की हुई मौत। उपराष्ट्रपति ने नई संसद पर पहली बार तिरंगा फहराया, लोकसभा स्पीकर समेत कई विपक्षी नेता पहुंचे। विशेष सत्र के दूसरे दिन यही शिफ्ट होगा कामकाज। एमपी में एक हफ्ते में सामान्य से दुगनी बारिश हुई, नदी नाले लबालब, 10 डैम के गेट खुले, राजस्थान के 5 बड़े बांध भी ओवरफ्लो। नूह हिंसा के दूसरे केस में फंसे एमएलए मामन खान, 2 दिन का और पुलिस रिमांड मिला, मोबाइल लैपटॉप जब्त कर चुकी है पुलिस। मोनू मानेसर को हरियाणा लाएगी पुलिस, राजस्थान की कोर्ट से मिला प्रोडक्शन वारंट, 25 सितंबर को खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। जन्मदिन पर पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया यशोभूमि मेट्रो एयरपोर्ट विस्तार का किया उद्घाटन। कौशल विकास घोटाले में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर आया सीएम जगन का बयान, कहा न केवल राज्य सरकार की एजेंसियां बल्कि ईडी ने भी इस फर्जी समझौते में शामिल लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां, बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। 1 सितंबर को करनाल से साइक्लोथोन यात्रा की शुरुआत की गई थी और ये अब तक 15 जिलों में ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश पहुंचा चुकी है। और आपको बता दें कि 25 सितंबर को ये यात्रा करनाल में ही संपन्न होगी। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रविवार सुबह बरनाला रोड पर स्थित शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम के सामने से साइक्लोथोन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और फतेहाबाद के लिए रवाना किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के लक्ष्य के साथ साइक्लोथोन यात्रा प्रदेश का दौरा कर रही है। आज के साइक्लोथोन में जन भागीदारी ने वर्ष 2019 में आयोजित मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा है। हरियाणा जिस प्रकार से ड्रग की गिरफ्त में फंसा चला जा रहा है, ये चिंता का विषय है और यह साइक्लोथोन यात्रा जागरूकता पैदा करने में सार्थक साबित हो रही है। बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, मंडियों में भीगा धान। दरअसल आपको बता दें कि कैथल में कई दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं शनिवार की रात को रुक रुक कर बूंदाबांदी हुई और सुबह 5 बजे से तेज बारिश हो रही है। बारिश से शहर की मुख्य सड़कें और ग्रामीण इलाकों में खेत लबालब भरे हुए हैं। वहीं बारिश के कारण मंडी में किसानों का धान भीग गया है। इसके साथ ही खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर धान की फसल पूरी तरह से बिछ गई है, इससे पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहीं बीते 24 घंटों में कैथल में औसतन लगभग 48 mm बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पलवल की विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले फरीदाबाद के प्रिथला विधानसभा क्षेत्र में गाँव दुधोला में पूर्व सरपंच के घर पर पहुंचे, जहां क्षेत्र के विधायक नैलपान ने तमाम मौजूदा और पूर्व सरपंचों सहित मुख्यमंत्री का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। देखिए एक रिपोर्ट। करिए 5 लाख तक के काम अपने आप कराइए, 5 लाख तक के ऊपर के जो काम है वो इंटेंडेंट से होंगे, इसी प्रकार की चिंता न करें। कोई कठिनाई हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, काम करते जाओ। आपके गांव में पैसे की कमी पड़े तो अपने बीजेपियों के माध्यम से डिमांड भेज देना, पूरा पैसा मिलेगा, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुलिस
एनकाउंटर में युवक की मौत, मामला फरीदाबाद का है, जहां देर रात पुलिस एनकाउंटर में एक युवक की मौत हो गई। युवक के ऊपर लूटपाट समेत छीना झपटी के 4 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम करा रही है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या की है। चलिए नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर। आप कौन है बबलू के? मैं चार्जर लगता हूँ उसका जी। तो आप समझते मानते हैं कि एनकाउंटर है या हत्या है? हत्या है, एनकाउंटर थोड़ी है, कोई बदमाश थोड़ी है, कोई वो बदमाश थोड़ी है, कोई कुछ भी नहीं है, शरीफ लड़का है जी। कोई 7 बजे बताया। अच्छा। 7 बजे सरपंच साहब पहुँचे, जब उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे पुलिस का फ़ोन आया कि बल्लू का वो लड़ाई एनकाउंटर नहीं करा, उसका चोट लगी, झगड़े हुए यार बीके में आ जाओ। चोट किस वजह से दी थी? हाँ। अच्छा। उसकी नहीं बताई, नहीं आया के देखा तो वो मर्डर हुआ पड़ा उसका। जैसे इनको पता लगा पुलिस की गाड़ी है तो इन्होंने पुलिस की गाड़ी पे फायर कर दिया, जो गाड़ी के बम्पर में लगा। इनको वहाँ रास्ते में पीए सिस्टम से अनाउंस किया कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन ये भागते रहे। अगला गाँव जो पावटा आया वहाँ पे उसके पास ये इन्होंने गाड़ी को, एक डेड एंड था वहाँ पे, गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतरकर फिर पुलिस पे फायर कर दिया। पुलिस ने हवाई फायर करते हुए रुकने को कहा, लेकिन ये नहीं रुके और पुलिस ने जब इनको फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैरों में गोली चलाने के लिए चलाई, तो उसी टाइम आरोपी अपने बचाव में डक कर गया, बैठ गया, तो उसके आरोपी को गोली लगी, तुरंत वो वहीं पर गिर गया था। तो उनको, आरोपियों को काबू किया गया है, जो साथी जो थे पुलिसकर्मी उनके साथ, जिनको बीके हॉस्पिटल लाया गया। तो आरोपी जो बलविंदर था उसकी उसमें डेथ हो गई, और जो दूसरे आरोपी जो अनूपुर छलिया है, जो हत्या का आरोपी है, नरेश की हत्या का, इनसे इनको काबू किया था। और बलविंदर से एक हथियार बरामद हुआ जिससे वो गोली चला रहा था, जिसमें एक जिंदा राउंड भी बरामद हुआ, और इसकी इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है थाना धोज में, और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शहीद मेजर आशीष के घर पहुंचकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिता लालचंद से बात कर उनके निधन का शोक व्यक्त किया। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने 50 लाख रुपए आर्थिक मदद और पत्नी को योग्यता के आधार पर नौकरी देने का आश्वासन भी दिया, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात करके उनका ढांढस बंधाया। वहीं इस दौरान सीएम ने मेजर के पिता लालचंद से बातचीत कर उनके निधन का शोक व्यक्त किया। वहीं सीएम ने ग्रामीणों के मांग पत्र पर काम करने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि TDI में शहीद के नाम पार्क और पृथक गांव में स्वागत द्वार बनाया जाएगा। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।